नमस्कार, मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज स्वागत। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित की। ठीक है, सबसे पहले हमने वैदिक गणित की पाठ संख्या प्रथम यानी एपिसोड नंबर 1 को हमने पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से देख सकते हैं। क्योंकि आपको जब भी पार्ट 1 नहीं देखेगा, ये वीडियो जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। ये सारी बातें कर जो बेसिक बातें हैं वो हमने पार्ट 1 में क्लियर किया है। तो चलिए आज हम पार्ट 2 को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है वर्ग ज्ञात करने की विधि। वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करने की विधि को आज हम जानेंगे, जिसमें 5 विधियां लिखी गई है। एकाधिकेन प्रवेण विधि, अनुरूपेण विधि, सूत्र निखिलम विधि और संकलन व्यवकलन विधि, द्वंद योग विधि। इन सभी विधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ विधि है द्वंद योग विधि, जो हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। हम सबसे पहले जानेंगे एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में। और आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो हमने क्लियर किया था एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है, इस पे कैसे प्रश्न दिए होते हैं और प्रश्न की कैटेगरी क्या होती है, कैसे हल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम सूत्र को देखते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो बने रहिए। सबसे पहले आप जानते हैं एकाधिकेन प्रवीण का मतलब होता है से पहले एक अधिक। एकाधिकेन प्रवीण का मतलब ही होता है से पहले एक अधिक। आपको याद होगा हम एक एग्जांपल लिए थे फर्स्ट पार्ट में कि 25 में 5 का एकाधिकेन प्रवीण ज्ञात करें। तो हमने क्या क्या था, 5 का एकाधिकेन प्रवीण ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो से पहले एक अधिक, एकाधिकेन प्रवीण का मतलब ही होता है से पहले एक अधिक। तो 5 का पूछ रहा है, तो 5 से पहले 2 और 2 का एक अधिक, यानी 35 यानी 35 इसका एकाधिकेन पूर्वेण हो जाएगा। तो ये सब बातें तो बेसिक बातें थी जो आपको क्लियर है पार्ट 1 में। अगर नहीं क्लियर है तो सबसे पहले फिर से गुजारिश करता हूं कि आप पार्ट 1 देखिए। जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखिएगा तो आपको ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस विधि में हम लिखेंगे एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में। इसमें लिखेंगे वैसी संख्या जिसका इकाई अंक पांच हो उसके लिए उपयुक्त विधि एकाधिकेन पूर्वेण विधि है। हमने क्या लिखा, एकाधिकेन प्रवीण विधि में वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने लिखा है वैसी संख्या जिसकी इकाई अंक 5 हो, वो संख्या जो है एकाधिकेन प्रवीण विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। अब इसमें हम लिखेंगे इसके अंदर भाग समूह या खंड की संख्याएं 2 होती है। इसके अंदर भाग खंड या समूह या फिर स्टेप की संख्या 2 होते हैं। अब जानते हैं कि जब भी वैदिक गणित में कोई भी फॉर्मूला का हम यूज करें, उसमें महत्वपूर्ण बातें एक ही होती है कि उसमें कितने भाग बन रहे हैं, उसमें कितने खंड बन रहे हैं और उसमें कितने समूह बन रहे हैं। तो भाग, खंड, समूह या स्टेप, तीनों एक ही चीज है। हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एकाधिकेन प्रवीण विधि पे हम एक प्रश्न लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 होगा, उसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें कितने भाग बनते हैं, कितने खंड बनते हैं। क्योंकि हमें कहा गया है कि ये जो है इसमें 2 भाग बनना चाहिए और 2 भाग बनता है,
और वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसके लिए ये उपयुक्त विधि है। और एक बात और, ये जो विधि है ना मात्र 2 अंक की वर्ग ज्ञात करने की विधि है, ठीक है। तो चलिए अब इसी में हम चलते हैं, जैसे 25 का ले लेते हैं, 25, ठीक है, 25 का अब हमें वर्ग ज्ञात करना है एकाधिकेण प्रवेण विधि से। और आप जानते हैं 25 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 में जो है 5 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, 5 का स्क्वायर y, ठीक है, 5 का स्क्वायर डालेंगे, स्लैश डालने के बाद अब देखिए 5 का एकाधिकेण प्रवेण क्या होगा। 5 का एकाधिकेण प्रवेण का मतलब ये होता है, हमने क्या कहा इकाई अंक 5 हो तो इकाई अंक से लेकर चलेंगे, इसका एकाधिकेण प्रवेण क्या होगा, इसका एकाधिकेण प्रवेण का मतलब होता है से पहले एक अधिक, तो 5 से पहले एक अधिक, 5 से पहले क्या है 2, और 2 का एक अधिक कितना होगा 3 होगा, तो हम ये 2 को भी यहां लिखेंगे और एकाधिकेण प्रवेण 3 जो है उसको भी गुना में लिख देंगे। फिर से समझिए, सबसे पहले इसमें वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है वो जानिए। सबसे पहले इकाई अंक से हम देखते हैं कि इकाई अंक का एकाधिकेण प्रवेण ज्ञात करना होता है। इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर लिखा, स्लैश डाला, उसके बाद 5 का एकाधिकेण प्रवेण क्या है, 5 का एकाधिकेण प्रवेण का मतलब होता है से पहले एक अधिक, तो 5 से पहले कितना है 2, और 2 का एक अधिक 3 हो जाएगा, और जो 2 है दहाई में उसको भी लिखेंगे, तो 2 गुना 3 स्लैश 5 का स्क्वायर, ये 3 जो है वो 5 का एकाधिकेण प्रवेण है, यानी 5 से पहले की संख्या का एक अधिक, ठीक है। तो अब देखिए 5 का स्क्वायर आप लिखिएगा तो 25 आएगा और 2 तिहाई 6, यानी 625, यही हमारा आंसर हो गया। और ये हम किस विधि से निकाले, एकाधिकेण प्रवेण विधि से हमने निकाला। और आप ये भी जानते होंगे इसमें खंड भाग और स्टेप की संख्या 2 है, पहला स्टेप यहाँ दूसरा स्टेप यहाँ, तो आपने समझ लिया 5 का स्क्वायर 25, 2 तिहाई 6, यानी 625, 3 कहां से आया, 3 एकाधिकेण प्रवेण है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर इसी पे आधारित हम एक दो और प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम अगले विधि अनुरूपेण विधि की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम इस पे आगे लेते हैं कुछ, जैसे यहां 35 ले लेते हैं, ठीक है, 3 और 5, और आप जानते हैं कि 35 का स्क्वायर हमें निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई अंक का स्क्वायर लिखना है, इकाई अंक का स्क्वायर स्लैश डालना है, उसके बाद इकाई अंक का हमें एकाधिकेण प्रवेण निकालना है, तो इकाई अंक से पहले कौन है, इससे पहले एक अधिक 3, और 3 का एक अधिक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद हम गुणा का चिन्ह देंगे और दहाई अंक को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर वो भी आपको समझ में ना आए ना तो आप इतना बात याद रखिएगा कि सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद दहाई में जो अंक है उनको लिखेंगे और उनसे एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, 3 को 3 लिखेंगे और 3 से एक बढ़ा देंगे 4, उसको गुना में ले लेंगे और इकाई अंक जो है उसका स्क्वायर निकालेंगे, वो भी बात हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये 4 ये 5 का एकाधिकेण प्रवेण है, यानी अगर हम पूछे 35 में 5 का एकाधिकेण प्रवेण हमें ज्ञात कीजिए, 35 में 5 का, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है 5 को 5 ही रहने दीजिएगा, और 5 का एकाधिकेण प्रवेण, एकाधिकेण प्रवेण का मतलब ही होता है से पहले एक अधिक, 5 से पहले 3 है और 3 का एक अधिक कितना हो जाएगा 4, यानी 35 में 5 का एकाधिकेण प्रवेण 45 हो जाएगा, उसी प्रकार हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 त्रिक 12, यानी 1225 आपको आंसर आ गया, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1225 होता भी है। तो आपने देख लिया कैसे हुआ, अब हम एक और प्रश्न लेते हैं, उससे पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम एक और प्रश्न लेते हैं, अब 45 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं 45। अब 45 का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो आप जानते हैं सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर होना चाहिए स्लैश, उसके बाद 5 का एकाधिकेण प्रवेण, 5 से पहले 4 है और 4 का एकाधिक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 × 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 चौके 20, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है।
आपने देख लिया एकाधिकरण प्रवेण विधि से हम कैसे आसान तरीके से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम अनुरूपेण विधि की ओर बढ़ेंगे। तो देखते रहिए, अब हम अनुरूपेण विधि की ओर चलते हैं। इसमें अनुरूप, तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुरूपेण विधि की, जो विधि संख्या सेकेंड है अनुरूपेण विधि। तो चलिए अनुरूपेण विधि में क्या होते हैं वो सबसे पहले हम जानते हैं। अनुरूपेण विधि में हम दो अंकों की वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। दो अंक की वर्ग को ज्ञात करने के लिए ये उपयुक्त विधि है, और ये उपयुक्त होने के साथ साथ इसमें खंड की संख्या तीन हो जाते हैं। कैसे होते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दो अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त विधि है जिसमें खंड की संख्या तीन होते हैं। ये विधि दो अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त हैं जिसमें खंड की संख्या तीन होते हैं, जिसमें खंड की संख्या तीन होते हैं। तो चलिए अब हम इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये विधि दो अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त है जिसमें खंड की संख्या तीन होते हैं। आपको एक सर्वसमिका का फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आप जानते हैं इसमें कितने खंड है, तीन खंड है, ए स्क्वायर टू ए बी व बी स्क्वायर। खंड की संख्या कितने हो गए, तीन खंड। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसमें एक सर्वसमिका का फॉर्मूला लिया ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें खंड की संख्या ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, खंड की संख्या तीन है, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया इसमें खंड की संख्या कितना है तो तीन है। अब इसी पे आधारित हम कोई प्रश्न लेते हैं। जैसे ले लीजिए 23 का स्क्वायर लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा वो देखिए, यहाँ इस भाग में से तोड़ना होगा ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर स्लैश 2 ए बी, 2 गुना ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है। अब 23 में 2 को हम ए मानेंगे, ठीक है, और बी को हम 3 मानेंगे, ठीक है। ए बी यानी 23 है तो ए बी, ये 23 है, ए का हो जाएगा 2 और बी क्या हो जाएगा 3, तो ठीक है। अब देखिए 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और आप जानते हैं जब इसका स्क्वायर निकालेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 तिहाई 9। तो इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं यहां देखिए क्या है 4/19/9। इसको लिखने के लिए सबसे पहले इसको नीचे लिखिए 9, अब ये 2 को यहां लिखिए, सिर्फ 2 को, बाकी बचा 1 को इसको दे दीजिए, किसको देना है 4 को, तो 4 1 लेकर हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5। तो आप जानते हैं 529 किसका वर्ग है, 30 का, ठीक है। अब आपने क्या सीखा, फिर से हम बतलाते हैं, अनुरूपेण विधि जो है ये विधि दो अंकों की संख्या के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें खंड की संख्या तीन बनते हैं। हमने देखा एकाधिकरण प्रवेण में खंड की संख्या दो बनते थे, लेकिन अनुरूपेण में खंड की संख्या तीन बन रही है, जिसमें हमने लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें खंड की संख्या तीन बना, 1, 2, 3 खंड बना है, ठीक है। अब देखिए हमने लिया 23 का स्क्वायर ज्ञात किया तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 गुना 2 क्योंकि a भी 2 है, ठीक है, और b 3 है, तो 2ab स्लैश b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 तीन 12 और 3 का स्क्वायर 9, तो हमने 4 12 9 को लिखा, 9 को 9 ही लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया, 2 के सामने 1 था यानी 12, वो 1 इसको दे दिया 4 को, 4 ये 1 लेकर हो गया 5, तो 5 हमने लिखा यानी 529, यही हमारा क्या हो गया
23 का वर्ग। तो चलिए अब हम एक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं उसमें हम पढ़ेंगे संकलन विकलन भी। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, तो ठीक है, बने रहिए। अब देखते हैं हम अगला विधि, संकलन विकलन विधि के बारे में हम बात करेंगे। एक वैसी विधि है जिसमें इष्ट संख्या के ऊपर ही ये विधि पूर्णता निर्भर होती है। तो सबसे पहले देखिए, अब हम विधि संख्या 3 की ओर बढ़ रहे हैं, संकलन विकलन विधि। संकलन विकलन या व्यवकलन विधि, इसमें हम क्या लिखेंगे, संकलन विकलन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसी विधि जिसमें इष्ट संख्या, ठीक है, इष्ट संख्या पे आधारित हो, या ऐसे लिख दीजिए वैसी विधि जिसमें वह न्यूनतम संख्या वह न्यूनतम संख्या जिसको जोड़ने पर जोड़ने यानी संकलन करने पर जोड़ने अथवा घटाने जोड़ने अथवा घटाने पर शून्यांक प्राप्त हो, शून्यांक प्राप्त हो इष्ट संख्या विधि या संकलन विधि कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखा है संकलन विकलन, उसमें आगे लिखा है वैसी विधि वह न्यूनतम संख्या जिसको वैसी विधि जिसमें होगा यहां पे जिसमें वैसी विधि जिसमें वह न्यूनतम संख्या जिसको जोड़ने यानी संकलन अथवा घटाने पर शून्यांक की प्राप्ति हो उसे हम इष्ट संख्या विधि या संकलन विकलन विधि कहते हैं या कहलाती है। इष्ट संख्या, सबसे पहले आपको इष्ट संख्या निकालने के लिए आना होगा, उसके बाद ही आप इस विधि से वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बातें समझेंगे कि इष्ट संख्या कहते किसे हैं। इष्ट संख्या तब निकाला जाता है जब कोई भी हमें नंबर दिया हो उसमें हम वैसी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे नंबर में शून्यांक की प्राप्ति हो जाए उसे हम उस नंबर को क्या कहते हैं, इष्ट संख्या। कैसे कहते हैं, सबसे पहले उदाहरण के तर्ज पे समझिए। हमने लिया 24, ठीक है, 24। अब पूछेंगे 24 का इष्ट अंक क्या होगा या इष्ट संख्या क्या होगा। 24 का इष्ट अंक, अब हमें ज्ञात करना है 24 का इष्ट अंक। हम 24 का इष्ट अंक कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं वह न्यूनतम संख्या जिसे जोड़ने या घटाने पर शून्यांक प्राप्त हो जाए उस संख्या को हम इष्ट संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या हम घटाएंगे या क्या जोड़ेंगे कि हमें जो है 24 इष्ट संख्या की प्राप्ति हो जाएगा। अब देखिए 24 में हम कितना जोड़ दे कि शून्यांक प्राप्ति हो जाए, 24 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, तो इष्ट संख्या क्या हो जाएंगे, इष्ट संख्या 6 हो जाएंगे। और आप जानते हैं 6 तो हो जाएंगे, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं 24 में 4 को घटा दे तो 20 की प्राप्ति हो जाएगी जिसमें शून्यांक प्राप्ति हो रहा इसमें इष्ट संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन आप कहिएगा एक संख्या का इष्ट संख्या दो दो कैसे हो गया, तो यहां देखिए हमने लिखा है वह न्यूनतम संख्या, हम कम से कम वाली संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे हमें शून्यांक प्राप्त हो जाएगा वही हमारा इष्ट संख्या हो जाएगा। लेकिन संख्या न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और आप यहां जानते हैं
24 में कम से कम अगर घटाएंगे 4 तो 20 की प्राप्त हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे 6 तो 30 की प्राप्ति हो जाएगी। इस अवस्था में हमें ज्यादा वाले को नहीं लेना है, क्योंकि न्यूनतम कहा जा रहा है, कम वाले को लेना है। तो 4 हमारा 24 में 4 इष्ट संख्या हो जाएगा, न कि 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 से भी 2 अधिक है, और हम 6 जोड़ कर जाएंगे 30 में, तो 4 घटा के 20 में क्यों ना जाएंगे? आसान कौन है, 6 या 4? आसान 4 है, न्यूनतम 4 है, इसीलिए इष्ट संख्या 4 हो जाएंगे 24 में। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, इसी में हम अगर डाल दें कि 25 में इष्ट संख्या क्या होगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब 25 में अगर इष्ट संख्या किसी से पूछ दिया जाए कि 25 का इष्ट संख्या क्या होगा, तो इस अवस्था में आप क्या कीजिएगा? अगर 25 में वह न्यूनतम संख्या 5 है जिसे जोड़ने पे 30 की प्राप्ति हो जाएगी, और वह न्यूनतम संख्या 5 है जिसे घटाने पर 20 की प्राप्ति हो जाएगी, तो हर हाल में अगर 5 जोड़ते भी हैं तो शून्यांक की प्राप्ति होती है। मतलब अंक शून्य, जो भी अंक है उसके अंतिम अंक शून्य होना चाहिए, शून्यांक की प्राप्ति होती है, और 5 घटाने पर भी शून्यांक की प्राप्ति हो रही है। तो इसका मतलब है 5 एक ऐसा संख्या है जो हमारा 24 का इष्ट संख्या है, जिसे जोड़ने पर भी शून्यांक प्राप्त हो रहा है, घटाने पर भी शून्यांक प्राप्त हो रहा है। शून्यांक के बारे में भी जान लीजिए, कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए। शून्यांक का मतलब वो होता है वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक शून्य हो, यानी शून्यांक कहलाता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 इत्यादि। तो आपने देख लिया कि 25 का इष्टांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम 5 को जोड़ेंगे और घटाएंगे तब क्या होगा, हमें शून्यांक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 5, 5 दोनों बराबर है, इसलिए इसका 5 हो जाएगा। तो आपने जान लिया इष्ट संख्या, इष्ट अंक। अब हम यही इष्ट संख्या का महत्वपूर्ण भूमिका है संकलन विकलन में वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, अब हम यही 25 का अगर वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे? सपोज कीजिए, हम ये दे दिए 25 का वर्ग ज्ञात करना है मुझे, ठीक है, 25 का वर्ग, 25 का अगर मुझे वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा जाए संकलन विकलन विधि। आप जानते हैं एकाधिकेन प्रवेण विधि से, अनुरूपेन विधि से, कितना विधि हमने पढ़ा सबसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं संकलन विकलन विधि से वर्ग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नोट कीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला में कहा गया है संख्या प्लस फाइव इंटू संख्या माइनस फाइव या इष्ट संख्या का स्क्वायर, इष्ट संख्या का स्क्वायर, नहीं, इष्ट संख्या का स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, संख्या प्लस फाइव, इष्ट संख्या ही यहां डालिए, इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या, इष्ट संख्या। तो चलिए, हमने 5 इसलिए लिखा था क्योंकि 25 में जो है इष्ट संख्या क्या है, 5 है, अभी आपने निकाला है 5 है, इसलिए हमने लिख दिया था। तो संख्या प्लस इष्ट संख्या इंटू संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। और आप जानते हैं 25 के वर्ग अगर हम निकालने जा रहे हैं तो 25 में इष्ट संख्या कितना हो जाएगी, 5 क्या हो जाएंगे, इष्ट संख्या। तो आप उसी पे आप निकालिए, संख्या पे प्लस कीजिए इष्ट संख्या, संख्या कितना है 25, तो 25 प्लस इष्ट संख्या, इष्ट संख्या क्या है 5, इंटू 25 माइनस इष्ट संख्या 5, प्लस क्या है इष्ट संख्या का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 25 माइनस 5 20 हो जाएंगे, उसके बाद क्या है इष्ट संख्या का स्क्वायर यानी 25 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस में है इष्ट संख्या का स्क्वायर। तो अब देखिए, ये 25 को आप नीचे लिख सकते हैं, 25 और 2 3 6 यानी 625, ठीक है, 625। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो देखिए 600 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 625। तो आपने देख लिया कैसे हमने निकाला इष्ट संख्या पे आधारित संकलन विकलन विधि से वर्ग। एक बार फिर समझते हैं, उसके बाद हम अगले विधि यानी निकलन विधि की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए,
संकलन विकलन में वैसी न्यूनतम संख्या जोड़ने या घटाने पर जब शून्यांक प्राप्त हो जाए उसे हम इष्ट संख्या कहते हैं और ये विधि पूर्ण रूपेण इष्ट संख्या पे ही आधारित है। 25 का वर्ग निकालने को चला, आप जानते हैं 25 में इष्ट संख्या 5 है, तो संख्या प्लस इष्ट संख्या इंटू संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। संख्या था 25 में इष्ट संख्या 5 जोड़े 30 आया, फिर इंटू 25 में इष्ट संख्या 5 घटाए 20 आया और जोड़ में था 5 का स्क्वायर यानी 25, 600 जोड़ 25 625, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अब हम अगले विधि की ओर बढ़ेंगे और निकलम विधि की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब अगला विधि है सूत्र निखिलम यानी आधार उपाधान विधि। इस विधि में जो है हम वर्ग ज्ञात करेंगे, लेकिन इस विधि में खंड की संख्या होती है 2, ठीक है, इसमें खंड होंगे 2 खंड होते हैं मात्र 2। अब इस विधि की सूत्र पहले लिखते हैं, सूत्र होता है संख्या, जैसे संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, विचलन या विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। तो चलिए अब सबसे पहले हम जानेंगे विचलन क्या होते हैं, विचलन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए आधार उपाधार विचलन, ठीक है। हम कोई संख्या लेते हैं जैसे 14 का अगर हमें स्क्वायर ज्ञात करनी हो तो आप जानिए 14 का आधार कितना है, आधार, हर हमेशा आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इकाई और दहाई, पूरी संख्या को हम गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, जहां पे हमारा संख्या का अंत हो जाएगा वही हमारा आधार हो जाएगा। इकाई दहाई, दहाई पे अंत हो रहा है तो इसका आधार क्या होगा दहाई यानी 10। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे आधार, आधार क्या हो जाएगा हमारा आधार 10 होगा, और उपाधार क्योंकि आधार और उपाधार विधि है, उपाधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आधार तो 10 है और उपाधार क्या है 4 है, उपाधार क्या है, उपाधार क्या है 4 है। अब विचलन, उपाधार को ही हम विचलन कहते हैं, 10 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे कि 14 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए उपाधार और विचलन क्या होंगे 4 होंगे या प्लस 4 जो भी कहिए, प्लस 4 ही कहिए इसको, प्लस 4 होंगे। तो चलिए अब इस विधि से यानी सूत्र निखिलम यानी आधार उपाधार विधि से हम लोग अब भी वर्ग ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यही हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, संख्या प्लस विचलन, और विचलन क्या है, विचलन भी आपको लिख देते हैं, विचलन है आपका प्लस 4, जो आपका उपाधार होगा वही विचलन होगा, याद रखिए संख्या प्लस विचलन, संख्या है 14, ठीक है, प्लस विचलन, विचलन क्या है 4 है, प्लस विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो आप इसे हल कीजिएगा तो 14 4 18 बाय 16, 18 और 16 है तो आप इसको लिख सकते हैं, 16 में क्या लिखेंगे, 16 को 6 यहां लिखिए और एक जो बचा है एक इसको दे दीजिए, 18 ये एक लेकर हो जाएगा 19, तो 19 हो जाएगा यानी 196, कहने का तात्पर्य है 14 का वर्ग हो जाएगा 196। तो आपने देख लिया कैसे हमने निकाला आधार उपाधार विचलन, ठीक है। आधार गिनने के लिए एक ही तरीका है, आप संख्या को काउंट कर लीजिए इकाई दहाई में, इकाई दहाई, अगर दहाई पे हम चले गए तो हमारा आधार 10 हो जाएगा, सिकरा पे चले गए तो हमारा आधार 100 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले से नोट कीजिए आधार उपाधार विचलन, तो सबसे पहले से नोट कीजिए, फिर एक दो और प्रश्न इस पे लेकर के हम देखेंगे क्या स्थितियां रहती है, उसके बाद हम अगले यानी द्वंद योग विधि की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम 14 के जगह पे किसी और संख्या को लेते हैं, ठीक है, 14 के जगह पे किसी और संख्या को लेते हैं, 14 के जगह पे जैसे ले ले, हाँ 97 अगर ले लेते हैं, ठीक है 97 है ये यानी 97, तब क्या होता है, तब हमारा आधार क्या हो जाएंगे वो देखिए, 97 जो है इकाई दहाई 10 है, लेकिन अगर हम 10 को आधार मानेंगे तो 97 होगा,
कभी नहीं होगा। 97 जो है 10 के आधार पे नहीं बन पाएगा, इसलिए 97 कितना के करीब है, 100 के करीब है, इसलिए इसका आधार हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 100 ले लेंगे तब जो हमारा उपाधार क्या बनेगा, उपाधार -3 बनेगा, विचलन भी -3 बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है अगर 100 में आप -3 को घटाइएगा तो 97 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जाना कि आधार अगर 100 है तो उपाधार क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि 100 में अगर -3 को हम घटा देंगे तो 97 की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर चलिए इस फॉर्मूला पे, संख्या का स्क्वायर बराबर है संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। संख्या हमारे सामने है, संख्या है 97 प्लस विचलन, प्लस डालेंगे, विचलन हमारा -3 है। ठीक है, स्लैश विचलन का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर यानी वर्ग। अब देखिए प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो जाता है, तो 97 में -3 हो जाएगा तो 94 हो जाएगा यानी 94 हो जाएगा, स्लैश -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो 9, अब देखिए 9 लिखे, अगर 94 यहां लिख दे तो हो जाएगा 949, और आप जानते हैं 949 97 का वर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए एक बात महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वो आप याद रखिएगा, जब भी हम आधार मानेंगे ना 100 या आधार 100 होगा, उस अवस्था में जो भी हमारा आएगा उससे पहले हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अंतिम पॉइंट से पहले 0 लेंगे। अब देखिए ये 94 को यहाँ लिख दिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। तो आपने देखा सूत्र निकलम विधि से, आधार उपाधार विधि से हमने कैसे वर्ग को याद किया। अब चलिए इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं, आधार से पहले हम निकाले, अब हम उपाधार से निकालेंगे कि कैसे होता है, उसके बाद हम अगले विधि यानी सूत्र निकलम हो गया, अगले द्वंद योग विधि की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, तो ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 52 ले लें वाबन तो क्या हो जाएगा, अगर 52 लेंगे तो हमारा उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि 50 में अगर 2 को प्लस करेंगे तभी तो 52 होगा ना, इसलिए उपाधार यहाँ पे हो जाएगा 2 और आधार हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा 50। ठीक है, आधार 50 हो जाएगा और उपाधार अंक हो जाएगा हमारा, उपाधार अंक हो जाएगा 5 और विचलन हो जाएगा, विचलन हो जाएगा +2। कैसे हुआ समझते हैं, जैसे 52 में विचलन क्या हुआ, 2 हुआ, अगर +2 को ऐड करेंगे 50 में तो हो जाएगा 2 52, इसीलिए हमने आधार 50 है, 50 में 2 जोड़े तो 52 हो गया, और जानते हैं 50 का उपाधार अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस विधि से हम इस फॉर्मूला पे बिठा के हम वर्ग को याद करेंगे। तो संख्या का स्क्वायर है, और आप जानते हैं संख्या का स्क्वायर का मतलब है 5, संख्या कितना है हमारा 5 इंटू संख्या प्लस विचलन। ठीक है, पहले इसे जोड़ ही लीजिए, संख्या 52 प्लस 2, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर, विचलन हमारा है 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए इस अवस्था में क्या हो जाएगा, 52 2 54, अब हम क्या करेंगे 54 स्लैश 4 और 54 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 5 से करेंगे, ठीक है 54 55 हो जाएगा, 270 है यहां पे, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 27 4 को हम 4 लिखे, और आप जानते हैं जब भी आधार 100 हो तो हम 0 लेते हैं और 27। तो आप जानिए कि सूत्र निकलम विधि से हम वर्ग कैसे ज्ञात किए। अब चलते हैं हम अगले विधि की ओर, विधि संख्या 5 यानी द्वंद योग विधि की ओर। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम यानी द्वंद योग विधि के बारे में। तो सबसे पहले द्वंद योग निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स्ट्रा 2 को 1 में मल्टीप्लाई करना है। ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में एक एक्स्ट्रा 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर ये 5 × 2 × 2 हमने कहा एक्स्ट्रा दो, तो क्या हो जाएगा 20 + 20 यानी 40। ये क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्वयोग। अब हम कहें कि द्वंद्वयोग विधि से आप हमें वर्ग ज्ञात करें, तो जैसे 25 का अगर वर्ग ज्ञात करने की बात आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का द्वंद्वयोग निकालेंगे। और आप जानते हैं 2 का द्वंद्वयोग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि तो हमने कहा जिस संख्या का द्वंद्वयोग ज्ञात करना है उसमें 2 एक्स्ट्रा गुना करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 4। जैसे इसका हमने द्वंद्वयोग ज्ञात किया तो 2 × 5 एक्स्ट्रा 2 गुना किया, फिर 5 × 2 एक्स्ट्रा 2 गुना किया। उसी प्रकार अगर 25 का द्वंद्वयोग विधि से हम अगर वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसका पहले क्या करेंगे, द्वंद्वयोग निकालेंगे। तो 2 का द्वंद्वयोग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 2 का द्वंद्वयोग, ठीक है, स्लैश। अब देखिए 2 × 5 है, 2 × 5 का द्वंद्वयोग, ठीक है, 2 गुना दे देते हैं, 2 × 5 का द्वंद्वयोग स्लैश। अब जो है अंतिम का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 2 का द्वंद्वयोग कितना है, 4। इसका द्वंद्वयोग क्या हो जाएगा, 5 × 10 और 10 में 2 एक्स्ट्रा करेंगे ना तब तो द्वंद्व होगा, तो 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, स्लैश 5 का स्क्वायर 25। हर हमेशा इकाई अंक का स्क्वायर पीछे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 में 5 को नीचे लिखिए, ठीक है, 2 को इसको दीजिए 22, 22 का 2 4 2 6 यानी 625। आपने देखा कितना आसान तरीका से हमने निकाला द्वंद्वयोग विधि से कोई भी संख्या का वर्ग। आप इसे नोट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में वैदिक गणित की भाग संख्या पाठ संख्या 3 में।